फाइनली लेजेंड्स ऑफ हनुमान सीजन 4 हॉटस्टार पर आ चुका है, जिसके बस 2 एपिसोड्स पेश किए गए, जिसका सीजन 3 4 महीने पहले ही आया था। एंड सीजन 3 देख के ऐसा लगा कि मानो मेकर्स इतनी रश में थे जैसे इनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। एंड बस इन्होंने 6 एपिसोड्स ऑडियंस के सामने पेश किए, जहाँ सीजन 3 काफी फास्ट पेस निकला। एंड भाई जितने भी मेजर फाइट सिक्वेंसेस थे उनको मोशन फॉर्मेट में दिखाया, ना कि एनिमेटेड, जिस वजह से ऑडियंस का मजा किरकिरा हो गया। एंड अब इसका सीजन 4 आ चुका है, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई सीजन 4 आपकी एक्सपेक्टेशंस को हिट करेगा या मिस। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। सीजन 3 खत्म हुआ कुंभकर्ण को जगा के, और सीजन 4 में हमें विटनेस करने मिलेगा कि भाई अब कुंभकर्ण का वध कैसा होगा और किस प्रकार होगा। क्या एपिसोड 1 के इंट्रो में रावण का अपने भाइयों के साथ कैसा रिलेशनशिप था, यानी विभीषण कुंभकर्ण और सौतेला भाई कुबेर, जिनसे इन्होंने लंका छीन ली। एंड जिस वे में मेकर्स ने कुंभकर्ण को प्रेजेंट किया है, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनकी एंट्री एंड फाइट सीक्वेंस बिटवीन कुंभकर्ण और हनुमान जी काफी इम्पैक्टफुल था। जहाँ सेकेंड एपिसोड के इंट्रो में रावण अपने दोनों बेटे इंद्रजीत और अहिरावण के बीच का डिफरेंस बताते हुए दिखते हैं, और साथ ही साथ हमें देखने मिलता है वानर हीरोज नल एंड नील का डेयरिंग मिशन टू रेस्क्यू महाराज सुग्रीव। अभी तक इसके बस 2 एपिसोड्स आए एंड दोनों भी एपिसोड्स 20 मिनट के हैं, जहाँ सीजन 4 विल बी ऑल अबाउट कुंभकर्ण। एंड शायद सीजन 4 में भी हमें 6 ही एपिसोड्स देखने मिले। शो का प्रेजेंटेशन अच्छा है, एनिमेशन भी सही है, डायलॉग्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी काफी बढ़िया है, स्पेशली जिन्होंने कुंभकर्ण को आवाज दिया है। एंड अभी इसके और एपिसोड्स आना बाकी है, तो लेट्स सी कि भाई आगे के एपिसोड्स में कैरेक्टर्स, फाइट सीक्वेंस और नरेशन को किस टाइप में दिखाया जाएगा। बाकी मुझे इसके 2 एपिसोड्स अब तक तो सही लगे। एंड आपने भी सीजन 4 के 2 एपिसोड्स देखे हो तो यार प्लीज डू कमेंट कि आपको कैसे लगे। एंड वीडियो जरा भी पसंद आए तो यार सब्सक्राइब कर देना।